इकोनोमाइज़र क्या होता है? इकोनोमाइज़र और क्यों यूज़ किया जाता है बॉयलर में इकोनोमाइज़र को, आइए जानते हैं। सबसे पहले इकोनोमाइज़र एक हीट एक्सचेंजर है। ये बॉयलर से निकलने वाली एग्जॉस्ट फ्लू गैस को यूटिलाइज करता है फीड वाटर का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। बॉयलर से निकलने वाली जो हॉट एग्जॉस्ट फ्लू गैस है जो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसे एटमॉस्फेयर में ना भेज के उसे बॉयलर को यूज़ किया जाता है बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अगर एग्जॉस्ट फ्लू गैस का टेम्परेचर 16 डिग्री अगर डिग्रीज होता है तो बॉयलर की एफिशिएंसी 1% बढ़ती है। और वहीं अगर बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर 6 डिग्री होता है तो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है 1% इकोनोमाइज़र की हेल्प से। तो इसका इकोनोमाइज़र का जो लोकेशन होता है फ्लू गैस की पाथ को देखें तो सबसे पहले ये लास्ट में होते हैं, और यदि फीड वाटर की पाथ से देखें तो शुरू में ही ये इकोनोमाइज़र को लगाया जाता है। ये इकोनोमाइज़र कार्बन स्टील से बना होता है और इसकी जो मटेरियल ग्रेड होती है वो होती है SA210GRA1। ये शेप में क्वाइल टाइप की दिखती है और इकोनोमाइज़र की ट्यूब की जो साइज होती है वो होती है 38.1 उसकी डाया होती है और 3.6 mm उसकी थिकनेस होती है। जो इकोनोमाइज़र को हॉरिजेंटली अरेंज किया जाता है और इकोनोमाइज़र में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जो इसमें दो हेडर होते हैं, ये एक हेडर होते हैं इस हेडर का जो बॉटम हेडर बोलते हैं इसको, इस हेडर से वाटर इन करता है और यहाँ पे एक टॉप हेडर होता है जिसमें वाटर आउट होता है और ये फिर सीधा ड्रम में चला जाता है। इन दोनों हेडरों के बीच एक यहाँ से टॉप से फ्लू गैस आ रही है बॉटम की तरफ और इस ट्यूब को ये जो हीट है अपना हीट को इसको ट्यूब को ट्रांसफ़र कर देता है। और एक टॉप हेडर में एक वेंट लगा होता है जो एयर को रिलीज़ करने के लिए स्टार्टिंग में जब वाटर फिल करते हैं तो इस वेंट को ओपन रखा जाता है ताकि इसमें से एयर है वो बाहर निकल जाए। ये लोअर हेडर जो होता है वो कनेक्ट रहता है फीड कंट्रोल वाल्व से और अपर हेडर जो होता है वो कनेक्ट होता है सीधा स्टीम ड्रम से। इकोनोमाइज़र में फीड वाटर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी ट्यूब पॉइंट के नीचे आने से क्या होगा, उसकी जो ट्यूब्स में वो करोजन हो सकता है। ठीक है, तो इकोनोमाइज़र बेसिकली दो तरीका के होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। इसके होता है बॉइलिंग और स्टीमिंग टाइप। इसमें क्या होता है, ये मैक्सिमम 25% बॉयलर फीड वाटर को स्टीम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। दूसरा होता है नॉन बॉइलिंग और नॉन स्टीमिंग टाइप। इसमें जो बॉयलर फीड वाटर को जो होता है उसको उसका जो सैचुरेटेड पॉइंट के नीचे हीट होता है, ठीक है, इसमें